चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में सीट का रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा की तरफ से स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में उतरे थे और कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत मैदान में थे, मगर स्वामी यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को चुनाव हरा दिया था। वहीं हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक और धामी सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काफी काम करवाए, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छोटे और मोटे काम तो बहुत है, हजारों की संख्या में है। भाई किसी का रोजगार लगाना, गाँव में छोटी सड़कें बनवाना, एक काम मैंने किया था मेरे यहाँ, क्योंकि खनन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 8-10 साल से बंद पड़ा हुआ था, मैंने निगम का खनन वहाँ पर शुरू करा ताकि मजदूरों को काम मिल सके। हम एक पुल बना करके गए, वहाँ 3 पुलों की ज़रूरत है, हमने उसको किया होता, और यदि हमारे पास अवसर रहता तो जो हमारे उसको कोटद्वार को लालढांग से जोड़ने वाला मार्ग है, हमने उस मार्ग को 2018 में पूरा कर दिया। मैं नहीं जानता क्या काम किया, लेकिन ये ज़रूर किया उन्होंने, कुछ वैमनस्य बढ़ाया आपस का और उसके जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जरूर किया, मैंने इसके अलावा तो कुछ देखा। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहाड़ पर काफी सक्रिय हो गई है। आपकी तरफ से तीसरी गारंटी के तौर पर मुफ्त तीर्थ यात्री के टिकट बांटने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आप कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में तीर्थ यात्रा के मुफ्त टिकट बांट रहे हैं। कल हरिद्वार से कर्नल अजय कोठियाल ने इसकी शुरुआत भी की थी। आम आदमी पार्टी की मुफ्त तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तराखंड की जनता को अयोध्या में रामलला के दर्शन, अजमेर शरीफ के दर्शन और करतारपुर साहिब के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से भी मुखातिब हो रहे थे, उसी दौरान एक खास तस्वीर सामने आई। एक शख्स सीएम पुष्कर सिंह धामी के बगल में था, मगर इसी दौरान गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद वहां पर आते हैं। मंत्री के आने पर सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी इस शख्स को पीछे हटने के लिए कहते हैं ताकि मंत्री को जगह मिल पाए, मगर ये शख्स पीछे हटने की बजाय सुरक्षा कर्मी की तरह ही तरफ घूरने लगता है। एबीपी गंगा ने जब इस युवक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस युवक का नाम आदित्य चौहान है और वो भाजपा में प्रदेश मंत्री पद पर है।